अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति में शेड्यूल्स का सप्लिफ्टमेंट के लिए है अभ्युदय योजना स्टैंड्स एज हंड्रेड परसेंट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड इनिशिएटिव कंसोलिडेटिंग थ्री सेंट्रली स्पॉन्सर्ड इनिशिएटिव्स कौन कौन से प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना स्पेशल सेंटर असिस्टेंस टू शेड्यूल का सब प्लान एससीए टू एस एस एंड बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना तो इन सारी योजनाओं को

तो उसके लिए इन सभी प्रोग्राम्स को क्लब करके क्लब करके एक प्रोग्राम बना के लेके आए हैं प्राइम मिनिस्टर अजय प्लान अजय योजना द द द प्राइमरी एम ऑफ ऑफ दिस इनिशिएटिव टू इनकम इनकम टारगेटेड पॉपुलेशन थ्रू डाइवर्स जनरेशन वही देर इज हमने पहले भी डिस्कस किया था अपने ज्योग्राफी सेक्शन के अंदर दैट देर शुड नॉट बी डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर ऑनली तो उसके लिए एनिमल uh, हस्बेंड्री है और उसके बाद हॉर्टिकल्चर है और उसके बाद फिश फिशिंग है नंबर ऑफ अदर उसके साथ साथ Uh, इनके लिए स्किल डेवलप करना और उनको एनहेंस करना उसके बाद सो दैट दे कैन अर्न बाय देयर ओन तो डिपेंडेंसी ना रहे गवर्नमेंट के ऊपर तो स्किल एनहेंसमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इट सीक्स टू डिमिनिश पॉवर्टी अमंग द टारगेटेड पॉपुलेशन अपलिफ्टिंग देम अबव द पॉवर्टी लाइन कुल मिलाकर बीपीएल से ऊपर लेके आना है ऐसी जो कम्युनिटीज हैं उनके लिए स्पेसिफिकली प्रोग्राम है एसटीज के लिए हम लग से डिस्कस कर चुके हैं ये सिर्फ एससी के लिए है प्राइम मिनिस्टर अजय योजना एलिजिबिलिटी <coughs> क्राइटेरिया क्या है इंडिविजुअल फ्रॉम शेड्यूल कास्ट रिजाइडिंग बिलो द पॉवर्टी लाइन क्वालिफाई फॉर बेनिफिट्स अंडर द इनिशिएटिव जो भी वीपीएल से नीचे रह रहे हैं शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग बीपीएल से नीचे रह रहे हैं उनके लिए प्रोग्राम है क्चर डेवलपमेंट विलजेस विद फिफ्टी परसेंट और मोर शेड्यूल्टेशन आर एलिजिबल फॉर ग्रांट अंडर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है की बीपीएल से नीचे होना चाहिए और विलेज के लिए क्या क्राइटेरिया फिफ्टी परसेंट से ज्यादा अगर पॉपुलेशन है तो उसके इसमें विलेज भी एलिजिबल हो जाता है इम्प्लीमेंटेशन सिंह टू थाउजेंड ट्वेंटी टू द इनिशियटिव कॉम्प्रोमाइजेस थ्री कॉम्पोनेंट्स डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट डोमिनेटेडेस इन टू मॉडल विलेजेस आदर्श ग्राम ग्रांट इन एड फॉर डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल प्रोजेक्ट एम टू सोशो फॉर शेड्यूल कास्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ होस्टल इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन तो वहां पर होस्टल्स क्रिएट करना है और उसके अलावा जो भी प्रोजेक्ट हैं सोशियो इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट के लिए वो उन एरियाज में उन इंडिविजुअल्स के लिए इंप्लीमेंट करवाने हैं बस प्राइम मिनिस्टर अजय योजना का प्लान यही है और शेड्यूल कास्ट की अपलिफ्टमेंट से रिलेटेड है <coughs> उसके बाद नेक्स्ट इज व्यू सॉरी ब्लू सी ड्रैगन हम लोगों ने पिछली क्लास में, में डिस्कस किया था मॉर्निंग क्लास में एक दिन तो ब्लू सी ड्रैगन एंड ब्लू बटन इन द स्पॉटलाइट रिसेंटली बीच गोर्स इन चेन्नई वाज सरप्राइज टू स्पॉट टू वेनमस मरीन ऑर्गेनिज्म नेमली द ब्लू सी ड्रैगन एंड ब्लू बटन टिपिकली इनहेबिटेंट्स ऑफ द डीप सी तो ये नॉर्मली डीप सी के अंदर रहते हैं रंग इनका चटक होता है दोनों दो तरह के ड्रैगन हैं एक ये और एक बटन ड्रैगन छोटा ड्रैगन है बहुत और नेक्स्ट में उसकी इमेज दी हुई है दिस इज ये ह्यूमन हैंड है उसके ऊपर छोटा सा ड्रैगन है ये वाला <coughs> तो ब्लू बटन एंड ब्लू सी ड्रैगन टिपिकली ऑफ डीप सी अब डीप सी से यहां कैसे आया जैसे हम लोगों ने रिसेंटली डिस्कस किया कि साइक्लोन और आया तो मुचुंग की वजह से कुछ डीप सी से निकल के ये लोग ऊपर कोस्ट के ऊपर आ गए थे

Oceanic, autistic, आपको हमेशा ट्रॉपिकल एरियाज में सबसे ज्यादा मिलेगी तो ये भी ट्रॉपिकल एरियाज में मिलते हैं कहाँ के अटलांटिक तो में पैसिफिक में आते हैं दे स्टोर वैनम कंज्यूम्ड फ्रॉम द अदर क्रिएचर्स टू इंजेक्ट इन टू द फॉरन बॉडी दे एनकाउंटर दो द वैनम इज नॉन लीथल तो जानलेवा नहीं होता जहर तो होता है इनके अंदर जानलेवा नहीं होता <coughs> उट ब्लू बटन ब्लू बटन रिसेंगे उसी की तरह ही है्यूमन है बीच में है देखो बहुत छोटा साइज है तो बटन जितना तो ब्लू बटन डिसेंब्लिंग बटन लाइक आर नॉट इंडिविजुअलिज्मनीज ऑफ स्मॉल प्रिडेटर नोन एज हाइड्रॉइड्स तो प्रीडेटर की

तो अपना ये साइज फुला लेता है जैसे यहां पर ये छोटा सा नजर आ रहा है यहाँ पर इसने अपने आप को फुला लिया है ट्यूब कीप इट सराउंडिंग द टाइनी ब्लू टेंटिकल्स तो इसके साथ ये फ्लोट करता रहेगा पानी के अंदर करता रहेगा और इसके कुछ टेंटिकल्स भी होते हैं इसके आसपास मुंह के आसपास टेंटिकल्स होते हैं इसकी प्रोटेक्शन के लिए होते हैं मैन ऑफ वॉर मैकेनिज्म दे यूज टेंटिकल्स एज बॉडी पार्ट टू स्टिंग फॉरन बॉडीज फॉर डिफेंस विद नॉन लीथल वेनम वेनम इनके अंदर भी है और अपने टेंटिकल्स को यूज करते हैं

वेदर फोरकास्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी लोकेशन ऑफ जेसीआई परचेज सेंटर एंड प्रोक्योरमेंट पॉलिसी सरकार कैसे कैसे बाय करने जा रही है क्या प्लान होगा क्या प्रोसेस होगा इंफॉर्मेशन में आ, मौसम कैसा रहेगा और उसके बाद बाकी सब चीजें इसके अंदर इन्फॉर्मेशन मिलेगी इनेबल फार्मर्स टू ट्रैक पेमेंट स्टेटस ऑफ न्यू ऑफ रॉ जूट सोल्ड बाई जेसीआई अंडर एम एस पी ऑपरेशन इन इन कटिंग एज टेक्नोलॉजी फीचर्स लाइक चैटबोर्ड टू एड्रेस यूजर्स क्वेरीज तो उसमें चैटबोर्ड का प्रोविजन भी है

और हमने उसी पॉइंट को हमने जब शुगर के साथ जुड़ी हुई थी उसमें भी डिस्कस किया था कि शुगर के इंडस्ट्री की जो है उसमें ये भी एक एक पार्ट है है कि इनको पैकेजिंग का हिस्सा जो है, वो जूट में पैक करना पड़ेगा चीनी पैक करने के लिए इससे उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है सारी चीनी नहीं कुछ हिस्सा आपको उसमें डालना पड़ता है तो उसमें हम लोगों ने जो पिछली क्लास में जूट से रिलेटेड डिस्कस किया तो इसका मतलब यह है कि आप अपना जूट वाला एक क्वेश्चन जो है उसको प्रिपेयर कर लो ज्योग्राफी के सेक्शन में से भी और जो हम लोगों ने रिसेंट क्लास किया गवर्नमेंट पॉलिसी का पार्ट भी और ये जूट वाला ऐप वाला भी तो इसका मतलब एक क्वेश्चन जो है वो जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से जेसीआई का भी बन सकता है तो अपने चार सेक्शन इकट्ठे कर लिए चार अलग अलग जगह भी हमने डिस्कस किया हुआ तो एक जगह हो जाएगा एक क्वेश्चन बन जाएगा आपका प्रेलिम के लिए कम से कम और उसके बाद मेंस में भी जब जूट का कोई क्वेश्चन आएगा तो यू वुड बी एबल टू तो हैंडल ऑल दीज थिंग्स बिकॉज आप सारी चीजें उसमें कर देंगे गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या होंगी उसमें लिए जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी इतने परसेंट आपको जूट पैकेजिंग मैंडेटरी है सिंग जूट क्रॉप एंड एज वेल एज ग्रोर्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ऑपरेट्स रिनाउंडार जूट कल्टिवेशन वेस्ट बंगाल बिहार असम मेघालय त्रिपुरा उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश

और उसमें एक लाख रुपए का जो कैश प्राइज होता है प्लस एक शॉल होती है और एक ये जो साहित्य का ये इंसिग्निया होता है ये एक फॉर्म में मिलता है इसी फॉर्म के अंदर तो इन रिसेंट अनाउंसमेंट साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर योर टू थाउजेंड ट्वेंटी अपॉन नोटेबल ऑथर्स इंक्लूडिंग राजशेखरन देव भारती फ्रॉम तमिल टी पतंजलि शास्त्री फ्रॉम तेलुगु एंड ईवी रामकृष्णन फ्रॉम मलयालम इन साइट इंटू साहित्य अकेडमी अवार्ड क्या है तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाने के चांसेस कम है बट ये है कि वो प्रीलिम का पार्ट हमें पढ़ना ही पड़ेंगे किस किस को मिला है ठीक है इनसाइड इन साइड इंटू साहित्य अकेडमी अवार्डीजियस अवार्ड रेकोगनाइज द मोस्ट आउटस्टैंडिंग बुक ऑफ लिटरेरी मेरिट पब्लिश इन एनी मेजर इंडियन लैंग्वेज ध्यान रखना इंडियन लैंग्वेज के लिए मिलता है इंक्लूडिंग इंग्लिश एनी मेजर इंडियन लैंग्वेज एक्नोलेज बाय दी जिसको अकेडमी एक, अक्नोलेज एक करती है द अकेडमी एनुअली कन्फर्स अवार्ड फॉर लिटरेरी वर्क चौबीस अवार्ड ये दिए जाते हैं

Award the form of तो कास्केट में क्या क्या होता है एनग्रेवड कॉपर प्लॉक ये अल एंड कैश प्राइज ऑफ रुपीज वन लैक की अपाउंट की पॉइंट क्या साहित्य अकेडमी को लेकर एस्टेब्लिश मार्च ट्वेल्व नाइनटीन फिफ्टी फोर अंडर

उसके बाद नाम दाफा फ्लाइंग स्कूल आज हम लोगों ने मॉर्निंग की क्लास में भी इस टॉपिक <खग़ाँ> को डिस्कस किया हुआ है फ्लाइंग स्कूर को लेके तो रिसेंटली नाम दाफा फ्लाइंग स्कूल हैज रीसर्फेस्ड इन अरुणाचल प्रदेश आफ्टर गोइंग मिसिंग फॉर 42 इयर्स ईयर्स साल तक ये नहीं मिली थी

उसी के अंदर नामदाफा नेशनल पार्क का आता है एक पेड़ से पेड़ जब है, तो अपने की तरफ गिरती है तो उसमें अपने आप को बैलेंस कर लेती है कहां गिरना है कहां रुकना उनको बैलेंस कर लेती है उड़ती नहीं है हाँ बस ये है कि अपने वो इस तरह से अपनी बॉडी को एक्सपैंड कर लेती है तो अपनी स्किन की हेल्प से वो अपने आप को मैनेज कर लेती है उतरना कहां पे नेक्स्ट नाम दफा नेशनल पार्क दी कर्ल्स आर नॉट कैपेबल ऑफ फ्लाइंग उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन दे इनहेबिट टॉल मेसुआ फेरा जंगल ऑफन इन हिल स्लोप ऑफ कैचमेंट एरिया ऑफ दिहांग रिवर और दिहांग दिबांग हमने डिस्कस किया हुआ है के इंडिया का ये जो पोर्शन है यहां पर इस एरिया के अंदर अरुणाचल प्रदेश है और यहां से रेव ब्रह्मपुत्र एंटर करती है और दिहांग के साथ दिबांग उसके साथ मिल जाती है इस एरिया के अंदर ही मिल रही है और उसके बाद पर्टिकुलरली ऑन द वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ पटकई रेंज यहां पर पटकई रेंज है इसी रीजन के अंदर पटकई पटकई रेंज इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया दे आर हर्बी और आ, ईट वेरियस फ्रूट नट्स सीड्स फंगाई फ्लावर्स एंड ट्री सैप्स <coughs> तो ये वराइटी बहुत सारी है इसकी फ्लाइंगल की इंडिया में जो वराइटी मिली है नामदाफा की मिली है ये वाली लग से बयालीस साल के बाद तो कंजर्वेशन स्टेटस क्या है आई यूसी के अंदर है क्रिटिकली इंडेंजर्ड है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन सेवेंटी टू शेड्यूल टू की फैक्ट अबाउट द नामदाफा टाइगर रिजर्व

और ये दाफा भाम से निकलती है दाफा भूम से निकलती है मीट मीडियट न्यू दिहांग रिवर के साथ आके मिलती है तो मेन रिवर नामदाफा है जो आके दिहांग के साथ मिलती है दिहांग आके फिर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है तो दिहांग और ना, या फिर ब्रह्म की की है। right नाम ब्रह्मपुत्र की समझ लो कि में ट्रिब्यूटरी है द रिवर फ्लोज राइट अक्रॉस द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ऑफ द नेशनल पार्क एंड द एंडम नामदाफा हैज बीन गिवन दिस प्रोटेक्टेड एरिया इज वेज्ड बिटवीन दाफा बूम रिज ऑफ मिशमी हिल्स मिशमी और uh, हमने इसको डिस्कस किया हुआ है अपनी क्लास के अंदर जोग्राफी की क्लास के अंदर मिश्मी, और और एक माउंटेन है पर और याद हो तो बताओ बेटा कमेंट में हाँ यस बेटा यही है ट्वेंटी ट्वेंटी परसेंट रिजर्वेशन फॉर शुगर यू आर राइट नीतू वेरी गुड बेटा मिशमी पटकई बम एक और मिसिंग है जो हमने क्लास में डिस्कस की हुई है वो वाली। तो अरुणाचल में ही है दोनों नाम याद नहीं आ रहा मुझे भी दाफा बूम रेंज ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय एंड पटकई रेंजेस फ्लोरा एवरग्रीन फॉरेस्ट है डिस्कस किया वाई एवरग्रीन मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट है सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट एंड एल्पाइन आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा बेटा जब हम लोगों ने थोड़े दिन पहले इस टॉपिक को डिस्कस किया है जब हम लोग इंडियन जोग्रफी का सेक्शन करें थे तो उसमें डिस्कस किया था अभी रिसेंटली हम लोगों ने फ्लोरा एंड फोना डिस्कस किया उसमें भी डिस्कस किया था कि इस एरिया के अंदर इंडिया के इस पोर्शन में बांग्लादेश आ गया और इस पोर्शन के अंदर हमें एवरग्रीन डेसीडियस फॉरेस्ट मिलते हैं और यहीं पे एल्पाइन भी मिलेगा ये जो पोर्शन है इंडिया का ठीक चलो आगे तो फ़ोना, अर्थवर्म्स बटरफ्लाई मॉथ्स एम्फीबियंस रेप्टाइल एटसेट्रा ये इन सबको खाती है मौत उतनी धीमी की कैटेगरी होती है मौत थोड़ी सी बड़ी होती है वो कोस्टल शिपिंग पॉलिसी अनलॉकिंग मैरीटाइम पोटेंशियल नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी द रीसेंट मीटिंग चेयर्ड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ द पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज एमओपीएसडब्ल्यू ऑन द कोस्टल शिपिंग पॉलिसी अंडरस्कोर्ड द सिग्निफिकेंस ऑफ द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंडियन मैरीटाइम स्ट्रेटजी नाउ व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू दे आर ट्राइंग टू डेवलप सी रूट एंड यू कैन से कोस्टल एरियाज तो वहां पर शिप चलाएंगे बड़ी छोटी शिप चलाएंगे ताकि उन एरिया के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके जो सब्सटीट्यूट हैं वो डेवलप हो जाए मतलब रेलवे और जो रोड है उसके ऊपर उनका बर्डन थोड़ा सा कम हो जाए और यहाँ पर शिपिंग से अगर लोग आना जाना शुरू कर देंगे तो इंटरनल एरियाज में शिपिंग के साथ साथ माल भी एक सेट से दूसरी सेट लाया जा, जा सकता है इंटरनेशनल वाटर्स की बात नहीं कर रहे जैसे मान लो कि के के केरला से तमिलनाडु कुछ लेके जाना है या फिर केरला से गोवा लेके जाना है या महाराष्ट्र लेके जाना है या फिर केरला से तमिलनाडु लेके जाना है या फिर वो आंध्र प्रदेश लेके जाना है या फिर बंगाल तक लेके जाना उस केस में अगर वहाँ पर शिप्स और ट्रांसपोर्टेशन शिप या फिर पैसेंजर शिप्स अगर डेवलप हो जाती हैं तो सड़कों पर बोर्ड खत्म हो जाएगा ट्रेन का बर्डन थोड़ा सा कम हो जाएगा प्लस उसकी कॉस्ट भी कंपेटिवली सस्ती होगी और क्योंकि हमने डिस्कस किया हुआ कि शिप की तो कोई लिमिट नहीं होती आप शिप जितनी मर्जी बनाओ जितने मर्जी लोगों को उसके अंदर है ना एज अ पैसेंजर उसमें रख सकते हो तो देर इज पॉसिबिलिटी तो गवर्नमेंट इसके ऊपर इस पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर कर रही है कि देखो क्या होता है इसके अंदर पोटेंशियल ऑफ कोस्टल शिपिंग ज्यो्राफिकल एडवांटेज क्या है इंडिया इंडिया बोस्ट ट्वेल्व मेजर एंड ओवर तो टू हंड्रेड नॉन मेजर पोर्ट्स अलॉन्ग विद एक्सपेंसिव ऑफ सेवेंटी फाइव हंड्रेड किलोमीटर कोस्ट लाइन कपल्ड विद एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ नेविगेबल वाटरवेज तो हमारे पास वाटरवेज भी हैं तो कई सारी रिवर्स हैं जो ओशन के साथ साथ जो सीज या ओशन के साथ साथ रिवर तक भी आती हैं रिवर से क्योंकि इंडिया में बहुत सारी जगहों बैक बैकवाटर्स भी हैं क्या जिनको कहते हैं हम लोग अच्छों के हुगली रिवर से, से हैं तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी और कंपेटेवली कॉस्ट भी कम हो जाएगी एलिवेटिंग कंजेशन ऑन द रोड एंड रेल नेटवर्क कोस्टल शिपिंग एनहेंस ओवरऑल टू ट्रेवल टाइम टाइम भी कम हो जाएगा उससे contributing to India's eco-friendly logistics and goals and eco-friendly logistic goals, coastal shipping aid to reducing carbon emission, connectivity to remote areas, facilitating connectivity to the remote regions, coastal shipping supports economic development in under sorry underserved areas. तो jahan jahan par जहाँ जहाँ पर wealth नहीं पहुँची, जहाँ जहाँ तक transportation नहीं पहुँची, अगर coastal areas के साथ साथ तो इलाके इलाके बसे हुए हैं, तो वहाँ पर अगर ships चलाएँगे passenger ships या cargo ships जो भी तो उनसे के अंदर लोगों को रोजगार भी मिलेगा काम भी बढ़ेगा सड़कों पर रेलवे का बोझ भी कम होगा ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी कम हो जाएगी किराए भी कम होंगे माल लाना ले जाना भी आसान हो जाएगा और उसकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी भी कंपेरिटिवली ज्यादा होगी तो पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ग्रोथ इन कोस्टल शिपिंग यूजेज कैन ड्राइव इन्वेस्टमेंट इन पोर्ट फैसिलिटीज एनहेंसिंग एफिशिएंसी एंड कैपेसिटी तो कार्गो ट्रांसपोर्टेशन स्टैटिक्स अभी क्या कहते हैं इन 2014-15 इंडियन पोर्ट हैंडल अराउंड 75.97 यानी लगभग 75 मेट्रिक टन पर एनम मेट्रिक टन पर एनम कोस्टल कार्गो कैरी करती थी सर्जिंग टू 151 मेट्रिक टन पर एनम इसका मतलब लगभग 100 परसेंट ग्रोथ हुई है 104 104 परसेंट इंक्रीज इन 2022-23 तो इसका मतलब हम पहले शिपिंग के थ्रू इंडियन पोर्ट जो है वो 74.97 मेट्रिक टन जो पर एन जो कोस्टल कार्गो कैरी करती थी अब वो परसेंट ज्यादा हो गई 151 और अंदर साथ साथ रा के इलाकों के में रिवर थोड़ी सी बड़ी है वहां पर जो शिप चल रही है इंटरनल वाटरवेज के अंदर नेशनल सब्सटेंशियल में हैंडलिंग उससे पहले वन मिलियन मेट्रिक टन कार्गो कैरी करती थी 2022-23 के अंदर 6.83 मिलियन मेट्रिक टन कैरी कर रही है उ सॉरी अभी कर रही है कैरी किया और पहले ये कैरी करती है सिक्स पॉइंट एटी यानी कि 1700 परसेंट इंक्रीज हुआ इसके अंदर इंटरनल वाटरवेज की हम बात करें देश के अंदर अंदर जो रिवर्स के साथ साथ का एरिया है वहां पर सामान लाद के शिप एक जगह से दूसरी जगह ले ले जाती थी। जगर जगर ले जाती थी थी पैसेंजर एक जगह जगह दूसरी उसमें राइज हुआ का इसका मतलब गवर्नमेंट जो है फैसिलिटीज अवेलेबल करा रही है शिप्स हैं वहां पर अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो ऑब्वियसली कोई भी बिजनेसमैन बड़ा बिजनेसमैन छोटा बिजनेसमैन इस तरह के काम करेगा प्रॉफिट भी है और लोगों के लिए भी अच्छा है कॉस्ट कम हो जाएगी प्लस ज्यादा लोग आ जाएंगे एक बार में इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोसीजरल इश्यू एट पोर्ट्स

पॉलिसी क्या बर्थिंग पॉलिसी क्या है इंट्रोड्यूस्ड प्रायोरिटी बर्थिंग पॉलिसी ऑफ कोस्टल कार्गो एटपोर्ट जितना नेशनल मूवमेंट कैबोटेज रिलैक्सेशन पीरियोडिक रिलैक्सेशन ऑफ कार्बोटेज रेगुलेशन टू अलाउ फॉरेन फ्लैग वेसल्स फॉर कोस्टल कार्गो हमारे यहां पे आ सकते हैं और फ्यूचर स्ट्रेटजीज क्या है फोकस ऑन एग्लोमरेशन सेंटर्स Silo, silo infrastructure and dedicated warehousing facilities available warehousing facility obviously crying uh, improving end-to-end -end logistics supply chain to holistic development of the coastal shipping hai. In, in including coastal shipping stand of the pivotal component in india maritime transport system contributing significantly to domestic trade and connectivity to harness the full potential concerned effort toward infrastructure collaboration and regulatory support for imperative तो ये देखो एज वीव डिस्कस के शिप की तो कोई लिमिट ही नहीं होती आपको साइज शिप का बड़ा बनाने जितना मर्जी माल ला दो उसमें। तो इसमें तो कम से कम सौ ट्रेनों हो का होगा चलो अंडरस्टैंडिंग नासम नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिजाइल सिस्टम ये जो मिजाइल सिस्टम है इसको रिसेंटली नॉर्मे ने अडेप्ट किया सरफेस टू एयर मिसाइल है रीसेंट इंसिडेंट ऑफ इसका नाम अभी मैंने याद किया था स्टारो कॉन्स्टेंटिनिव कॉन्स्टेंटिनिव एयरफील्ड एंड खमलिंत्स्की रीजन हैज ब्रॉट अटेंशन ऑफ नासम द नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम एज इट वाज रिपोर्टेडली टारगेटेड बाय द रशियन मिसाइल रशियन मिलिट्री अलोंग विद द फ्रेंच क्रोटेल एनजीएडी सिस्टम ऑपरेशनल कांसेप्ट क्या है

या फिर कोई उनके न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर जो भी होंगे उनकी प्रोटेक्शन के लिए मिजाइल सिस्टम जो है वहां पर डिप्लॉय किया गया है है एंड दिस सिस्टम इसको देख लो एक बार <coughs> बाकी आपके नोट्स में गुड इवनिंग दीपक हा यस मीरी मैं मीरी भूल गया था यस yes. मीरी अबोरहल दाफला ah, दाफला किया था हम लोगों ने आकाश Yes. शमी दाफा हो और दफा हो किया था हम लोगों ने मिशमी दाफा हो उसके बाद दाफला एंड हिल्स मीरी एंड हिल्स यस yes. नासम इज रेकोग्नाइज एज ग्राउंड बेस्ड डिफेंस सिस्टम फोकस ऑन मीडियम रेंज कैपेबिलिटीज द सिस्टम इज डेजी डिजाइन टू ऑफर शॉर्ट टू मीडियम रेंज एयर डिफेंस इफेक्टिवनेस इफेक्टिवली शॉर्ट टू मीडियम रेंज डिफेंस इफेक्टिवली काउंटरिंग थ्रेट्स फ्रॉम एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर क्रूज मिसाइल एंड ड्रोन ध्यान रखना शॉर्ट रेंज के लिए ढाई किलोमीटर से लेकर पांच किलोमीटर तक के लिए रिस्पॉन्स टाइम टेन सेकेंड है डिप्लॉयमेंट फोल्डिंग फिफ्टीन पॉइंट थ्री मिनट्स टारगेट स्पीड थाउजेंड लेस देन थाउजेंड मीटर पर सेकेंड है ऑपरेटिंग टाइम थ्री हंड्रेड आवर्स ये काम कर सकता है और डायमीटर इतना है ये जाके देख लेना बट आपके नोट्स में mentioned है

नजर तो नहीं आ रहा शायद आगे पीछे होगा कहीं दूसरी साइड में होगा तो थ्री सिक्सटी डिग्री थ्री लॉन्चर्स ईच कैपेबल ऑफ कैरिंग अप ऑफ सिक्स मिसाइल तो इसमें छ मिसाइल हैं तीन लॉन्चर हैं इसके अंदर वन टू एंड थ्री तो एक हमने यहां दिखाया वो इसमें छ मिसाइल एक बार में आ सकती हैं <coughs> Capable of carrying up to six missiles. Simultaneous target engagement, NASAM showcases the ability to engage up to 72 targets simultaneously, operating in both active and passive modes. Or AIM 120 ARM missiles, utilizing modified AIM 120 AMRAM air to air missile, NASAM achieves ground launch capabilities with an engagement range of approximately 30 kilometers. फायर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर एफ डी आर इक्विप्ड विद द फायर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर कमांड एंड कंट्रोल यूनिट नासम फैसिलिटेट बैटल मैनेजमेंट एंड ओवरसिंग कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन कंप्यूटर एंड इंटेलिजेंस फंक्शन तो सारा कुछ फैसिलिटीज हैं हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया वो इसके बारे में जो इस तरह की मिसाइल सिस्टम लगाते हैं तो उसमें कंप्यूटर बहुत हैवी और बहुत अच्छे कंप्यूटर लगे होते हैं कंप्यूटर मतलब एक नीचे भी कंप्यूटर अरेंजमेंट रहेगा मिजाइल का अपना कंप्यूटर होता है उसका ए आई सिस्टम है जो खुद उसको, उसको मैनेज कर लेता है तो पोंग डैम लेक आज सुबह हम लोग कर रहे थे इसको डिस्कस पोंग डैम ये हिमाचल और पंजाब की बाउंड्री पर पड़ती है और जहां पर ये लेक है इसको महाराणा प्रताप लेक कहते हैं तो ये जो रीजन है लेकिन रीजन है हिमाचल में पड़ता है डैम उसके बाद नीचे उतर के पंजाब शुरू हो जाता है और इट इज रीसेंट डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट हैज अ ड्राफ्ट नोटिफिकेशन डेजिनेटेड वन किलोमीटर एरिया सराउंडिंग द बाउंड्रीज ऑफ डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट एज अ इको सेंसिटिव जोन उसको डिक्लेयर किया है वन किलोमीटर एरिया को उसके आसपास में रीजन ऑफ रिच बोडावर्सिटी पोंग डैम लेक महाराणा प्रताप सागर उसको कहते हैं लेको जैसे भाखड़ा नंगल जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर जो लेक है उसका नाम रंजीत सागर है और यहाँ पर इसका नाम जो है महाराणा प्रताप सागर है द सेंचुरी Uh, intricately connected with the pong dam also known as maharana pratap sagar reservoir created by crafted by construction of a pong dam on the bias river within the shivalik hills wetland zone wildlife century designated 1983 himachal pradesh government accorded the entire reservoir स्टेटस ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिकॉग्नाइज द इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस रामसर साइट हमने पहले रामसर में इंटरनेशनल रिकॉग्निशन एज अ रामसर साइट इन नवंबर 2002 अंडरस्कोरिंग इट्स इंपॉर्टेंस ऑन द ग्लोबल कंजर्वेशन स्टेज इकोलॉजिकल क्या है फ्लोरा सेंचुरी बोस्ट डाइवर्स एरिया ऑफ थ्री स्पीशीज मेनी ऑफ व्हिच बियर

रीजन एक्सपीरियंस ट्रॉपिकल क्लाइमेट इस रीजन के यहाँ पर आपको दिखाया है एक मंदिर है जब इसका पानी कम होता है तो मंदिर निकल के बाहर आ जाता है नहीं तो मंदिर पानी में डूबा रहता है ये आ, कहते हैं कि ये बहुत पुराना है एंशियंट टाइम का ये टेम्पल है ये शायद पांडवों ने बनाया हुआ है ऐसी मान्यता है तो वाटर लेवल सीजनल चेंज लिमिट इमरजेंस ऑफ एक्सटेंसिव वेजिटेशन द रीजन एक्सपीरियंस द यूनिक इकोलॉजिकल बैलेंस विद इन द सेंचुरी द सेंचुरीज होम ऑफ वराइटी है बार्किंग डियर है बार्किंग डियर इस करके बार्किंग कहते हैं वो जो साउंड निकालता है वो भोंकने जैसी आवाज होती है ठीक तो सांबर बार्किंग डियर वाइल्ड लाइफ नील गाय नील गाय तो बहुत है और यहाँ पर है भी भी है ये डियर की फैमिली से आती है पर वो दिखने में थोड़ी सी ह्यूज होती है गाय जैसी होती है लोग गाय समझ के मारते नहीं है इसको तो नील गाय, क्लॉलेस ऑटर एंड लेपर्ड्स इलस्ट्रेटिंग द डाइवर्स टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एविय फौना पोंग डैम लेक रिजर्व हैव एज अ हेवन ऑफ प्रैथोरा एंड माइग्रेटरी टू एंडेमिक बर्ड स्पीशीज बार हेडेड गीज पिनटेल्स कॉमन पोचर्ड, कूट्स ग्रीब्स कॉर्मोरेंट्स हेरॉन्स स्टॉर्क एंगलफ्लोस पीफ्लो ग्रेप पार्टरिज

ओशन को मेडिटेन सी से जोड़ती है और इन द रीसेंट जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हैज इशूड थ्रेड टू क्लोज टू स्टेट ऑफ जब एंड मेडिटेर सी एज रिस्पॉन्स टू इजरायल एक्शन इन गाजा अब यह धमकियां दे रहे हैं ईरान धमकियां दे रहा गुड इवनिंग दीपक तो यहाँ पर क्या है है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर नैरो पैसेज कनेक्टिंग द मैटेरियन सी ऊपर इसके यूरोप आ आगे नीचे अफ्रीका आ जाता है बीच में ये सॉरी मैटेरियन सी और इसके बीच में जोड़ने के लिए स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है और जिब्राल्टर जिब्राल्टर अलग अलग प्रोसेशन है इसकी तो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर इज नैरो पैसेज कनेक्टिंग मैटेरियन सी और अटलांटिक ओशन सर्विंग एज वाइटल वाटर दैट सेट्स यूरोप फ्रॉम अफ्रीका हिस्टोरिकलीटल द ऑपरेटिंग ऑफ द ऑपरेशन स्टेट ऑफ जल्टर हेल्ड सिंगुलर इम्पोर्टेंस एक्सेस पॉइंटेरियनसी वहां तक जाने का सिर्फ एक ही रस्ता होता था, था बस क्योंकि इधर से ये शुरू नहीं हुई थी स्विज कनाल तो इसका दूसरा एज जो था वो खाली होता था तो वहां से अटलांटिक ओशन से यहाँ से एंटर करके फिर अंदर जाते थे स्पेन वगैरह स्पेन से और यहाँ पर जो है पोर्तुगल एंड स्पेन दोनों कंट्री जाती है ये आइबेरिया पेनसुला है और पेनसोला हमने सुबह भी डिस्कस किया था पेनसोला मिलन जिसके तीन तरफ पानी होता है और यह अबेरियन पेनसोला पर एक एज के ऊपर इंग्लैंड की टेरिटरी अभी भी है इंग्लैंड ने खरीदा हुआ है उसको हिस्टोरिकली अंटिल द ओपनिंग ऑफ स्वेज कनाल उसके बाद बॉर्डर एंड डायमेंशन बॉर्डर बाय स्पेन एंड ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी ऑफ जब हमने डिस्कस किया था यहाँ पे स्पेन भी है ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी जिब्राल्टर भी है यहाँ पे इन द नॉर्थ एंड मोरक्को एंड मरक्को मोरक्को एंड द स्पेनिश एक्सक्लेव ऑफ द कोटा इन द साउथ तो यहां पर कोटा ये स्पेनिश टेरिटरी है और यहां पर ये यह मोरक्को आता है स्पेनिश एक्सक्लेव ऑफ कोटा इन द साउथ द स्टेट किलोमीटर इन लेंथ एंड विद ऑफ अबाउट एंडीन किलोमीटर इसकी है एंड एज इट्स नैरोस्ट पॉइंट जियोलॉजिकल रीजन क्या है जियोलॉजिकल स्टडीज रिवील दैट द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट रिजल्टेड फ्रॉम नॉर्थवर्ड मूवमेंट अफ्रीकन प्लेट टू द यूरोपियन प्लेट तो हम इसको ज्योग्राफी में डिस्कस कर चुके हैं अफ्रीकन प्लेट नॉर्थवर्ड यूरोपियन प्लेट की तरफ यूरोप्राफिकल फीचर विद डेप्थ रेंजिंग थ्री हंड्रेड टू नाइन गैप बिटवीन हाई द एटलस माउंटेन ऑफ नॉर्थ अमेरिका बिजी वाटरवेज फंक्शनिंग एज वन ऑफ द बिजिएस्ट वाटरवेज ग्लोबली स्ट्रेट ऑफ द पैसेज ऑफ अराउंड थ्री हंड्रेड शिप्स डेली एवरेजिंग वन शिप एवरी फाइव मोरक्कन पोर्ट ऑफ टेंड टेंड नियर क्रूशल रोल इन द रीजन है, बहुत सारे जहाज यहाँ से आते जाते हैं पिलर ऑफ द ईस्टर्न एंड ऑफ द स्टेट सिचुएटेड बिटवीन द रॉक ऑफ जबराल्टन इन द नॉर्थ एंड माउंट हैचो जेबल माउसा इन द साउथ तो जो नॉर्थ का पार्ट है ये यूरोप का पार्ट हो गया साउथ का पार्ट मतलब अफ्रीका का पार्ट हो गया तो वहां पर क्या है रॉक ऑफ जिब्राल्टर है दिस इज रॉक ऑफ जिब्राल्टर इसकी एक साइड में और जो अफ्रीका वाली साइड है वहां पर दैट इज माउंट हैचो एंड जेबल माउसा इन द साउथ इज रेकनाइज एज दिलर्स ऑफ हरकुलिस विद्थ ऑफ अप्रोक्सीमेटली ट्वेंटी थ्री किलोमीटर तो हरकुलिस वहां का देवता है ग्रीक देवता है हरकुलिस तो उनके द्वीच की ट्वेंटी थ्री किलोमीटर वेथ उसको रिप्रेजेंट करता है फिकल टेंशन रेज कसर्न अबाउट द पोटेंशियल डिस्कर स्ट्रेटिक वॉटर पैसे इन द ग्लोल एक्टिविटी कुछ नहीं है स्टेट ऑफ जबराइटर को बंद कर देते हैं किसी की प्रॉपर्टी नहीं है इंटरनेशनल वॉटर वेज है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान है उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए अरेन्जमेंट थे

सब्सिडी कैन बी क्लेम्ड बाय टू व्हीलर थ्री व्हीलर इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड कार्स एंड इलेक्ट्रिक बसेस अंडर द स्कीम अब गवर्नमेंट ने हाइब्रिड कार को ये देनी बंद कर दी है और जो फोकस है गवर्नमेंट का इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर ही है इंप्लीमेंटिंग वेज चार्जिंग बायर्स पब्लिसाइजिंग बेनिफिट टू द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो गवर्नमेंट का जो नया प्लान आया है कि गांव कस्बों के अंदर छोटी छोटी जगहों के ऊपर इस तरह के चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएं ताकि जो पेट्रोल पंप के अलावा जो लोग उनको भी एक रोजगार मिल जाएगा ना, तो उनका रोज का काम चल जाएगा प्लस अगर चार्जिंग पॉइंट ज्यादा होंगे तो लोग इसकी तरफ मोर इलेक्ट्रिक कार्स तो उसकी सेल भी बढ़ेगी पोल्यूशन भी कम होगा हमारी डिपेंडेंसी उसके ऊपर कम हो जाएगी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर डिमांड फॉर पेट्रोल डीजल इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस क्रिएशन ऑफ न्यू जॉब्स इन ऑटोमोबाइल सेक्टर रिडक्शन इन द पोलूशन इंड्यूस हेल्थ प्रॉब्लम पोल्यूशन वगैरह वो खत्म हो जाएगा थ्री ईयर तो ये कह रहे हैं कि तीन साल और के लिए इसको एड कर दो तीन साल और जोड़ दो अंदर पच्चीस या छब्बीस तक ये लगातार चलती रहनी चाहिए स्कीम इससे उसके थोड़ी कॉस्ट कम हो जाएगी गवर्नमेंट को हाँ थोड़ा पैसा जरूर पे करना पड़ेगा कॉस्ट कम हो जाएगी तो उसका बेनिफिट रहेगा इंडिया के लिए तो स्कीम ओवरव्यू फेम इंडिया फेज टू इज कॉम्प्रिहेंसिव इनिशिएटिव एम्ड एट प्रमोटिंग इलेक्ट्रिक मोबिलिटी थ्रू आउट द कंट्री फाइनेंशियल एलोकेशन विद द विदोकेट बजट ऑफ टेन थाउजेंड करोड़ ओवर अ थ्री ईयर पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल अप्रिलीन अप्रैल फर्स्ट टू थाउजेंटेडेंशन पोस्टर डेडलाइन ऑफ मार्च थर्टी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तो इसको 24 तक किया था

एडवांस बैटरीज लाइक आयन बैटरीज एंड अदर कटिंग एज तो अभी तक जो बैटरी चल रही है और कई सारे आयन है एल्यूमिनियम आयन है और कई सारी और बैटरीज पॉसिबिलिटीज हैं रिसर्च चल रही है लिथियम आयन की जगह कुछ नया जाए तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट द स्कीम प्रपोजल दिशमेंट ऑफ ट्वेंटी सेवन हंड्रेड चार्जिंग मेट्रोज मिलियन प्लस स्मार्ट सिटीज एंड हिल स्टेशन एंडश्योरिंग एसेबिलिटी विद इन ग्रेड ऑफ 3 किलोमीटर

अपने आप ये व्हीकल बिकने शुरू हो जाएंगे उससे क्या होगा पेट्रोलियम एंड लुब्रिकेंट की जो कॉस्ट है जो हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं वो कंपेरेटिवली कम हो जाएगी ठीक है बेटा इतना ही है बाकी कल मिलते हैं कल कंटिन्यू करते हैं इसको आज की क्लास के लिए इतना ही है थैंक यू